तो ठाकुर जी कहते हैं कि योग क्षेमा वहां में हम, जो हमको अपना सारा सौंप देता है उसके योग क्षेम का बहन हम करते हैं। इसलिए जब करने वाले ठाकुर जी हये हैं तो हमको का मरना है। हाय हाय माई बाप, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, अरे इस माया जंजाल की। अब भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। और क्या। अच्छा एक बात बताइए, हमारा जब बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे को कोई टेंशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। टेंशन किसको है बच्चे का? माँ को। आपको? माँ को है, बाबूजी को है। अच्छा, हम लोग अपने खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे, लेकिन बचवा के लिए दूध जरूर आएगा। बच्चे के लिए कपड़ा बढ़िया से बढ़िया जरूर लाते हैं, बच्चे को मच्छर न काटे तो मच्छरदानी जरूर लगाते हैं। तो भगवान जब हमारे बाबूजी हैं तो हमको काहे का टेंशन करना है। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने खबर हमारी निस दिन लेता जीवन भर वो लेवेगा, खबर हमारी निस दिन लेता जीवन भर वो लेवेगा, खबर हमारी निस दिन लेता जीवन भर वो लेवेगा। जो मालिक जन्म दिया है, जो दाता, टेंशन उसको है। जब बच्चे का जन्म दिया जाता है तो चाहे बाप जो भी करे, भोजन और कपड़ा की चिंता वो करता है। इसलिए हम अपना सारा टेंशन ठाकुर जी पर छोड़ दे। जय हो, जय हो। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। चिंता करता निस दिन मेरा खबर हमारी लेवेगा, चिंता करता निस दिन
पड़े हैं चक्कर में हम, क्यों पड़े हैं चक्कर में हम, क्यों पड़े हैं चक्कर में हम, क्यों इस दुनिया कंगाल की। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल। जय हो, जय हो। छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे।